बाइक इज सेट, ज़्यादा कुछ सामान लेकर नहीं जा रहा हूँ, पहली बार छोटे राइड पे जा रहा हूँ। बट आज का बहुत स्पेशल व्लॉग है, क्यों मालूम पड़ जाएगा आगे। बाय द वे आप लोगों को तो टाइटल पढ़ के समझ ही गया होगा स्पेशल व्लॉग का मतलब क्या है। आज फ्रेंडशिप डे है। पहले तो अभी प्रतीक्षा दीदी के पास जा रहा हूँ मैं, मलाड में, दैट इज रिसर्च के पास। मतलब यार गेयर ना टाइम टू टाइम पहनते रहना चाहिए, नहीं तो आदत से निकल जाएगी। और वही चीज़ मेरे साथ हुआ है। लोग बहुत गाली डालेंगे अगर मैं जैसे ही अपनी बाइक ऑन करूँगा, अभी बहुत लोग गाली डालेंगे। कोई ना, आराम से जाएंगे। एक और बार बता दे रहा हूँ, हम जा रहे हैं रेसर चिक के पास एंड पुरानी सोसाइटी क्रॉस कर रहे हैं हम, एंड इट्स अर्ली मॉर्निंग 4:30। So yeah, the actual time is 5:37 right now, और अभी हम निकल पड़े हैं रेसर चिक के घर के यहाँ से। पहले तो अभी हम जा रहे हैं फ्यूल डलवाने, तो रेसर चिक इज लीडिंग द वे। एक को ज्वाइन कर दिया, अभी हम दो जाके और बाकी 3-4 को ज्वाइन करेंगे। मैंने ये खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज या मैं कभी ऐसे राइड कर पाऊँगा ऐसे लोगों के साथ। सो यस, फुल ऑन फ्यूल अप हो चुका है एंड दैट्स रेसर चिक, एंड दैट्स रेसर चिक की बाइक। दिस इज सोमा एंड हम वेट कर रहे हैं मेहुल भैया के लिए एंड MS के भाई के लिए। मेहुल भाई इज हियर, तो MS के भाई इज ऑल्सो हियर। रवि भाई भी आ गए, क्या बात है। देव भाई भी आ गए, क्या बात है। Going out of ourselves, can you feel it? Almost like I don't know if it's real, cause when we're doing our thing, we're the wheels that won't stop turning. तो राइड हो गया है शुरू। ओहो, मेहुल भाई ने विली पॉप किया भाई। यार मैं सच बताऊं तो थोड़ा नर्वस हूँ, पर ठीक है, मतलब थोड़ा आदत से हो जाएगी, सब नए लोग हैं मेरे लिए। लाइक मैं तो इनको सच, यार सच बात बताऊं तो मैं बस रेसर चिक को जानता हूँ एंड बाकी सबको यूट्यूब के तरफ, यूट्यूब के वजह से जानता हूँ। तो और यूट्यूब पे उनको देख देख के उनके साथ ही राइड करना, मतलब थोड़ा तो घबराहट सी होती है ना, बट ठीक है, कोई ना यार, मजा आ रहा है। वी आर क्रॉसिंग फाउंटेन होटल। लेफ्ट साइड में लद्दाख के लिए लोग निकलते हुए, और ये हर बार का ट्रैफिक है, हर बार का। चाय ब्रेक होता है ख़त्म, अभी यहाँ से बढ़ रहे हैं हम आगे के डेस्टिनेशन को। यार मैं सच बताऊँ तो मेरे को कुछ नहीं मालूम। तो दैट्स रेसर चिक, और यहाँ पर सब व्लॉगर्स है फिलहाल सब। अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है यहाँ के टोल में। भाई गाड़ियाँ देखो यार, उफ, लुक एट द बाइक्स, आई मीन जस्ट लुक एट द बाइक्स। द GS 310 ग्रुप, यहाँ पर मे भी हम रुकेंगे, प्लान तो यही चल रहा है कि रुकें। हाँ रुकेंगे बराबर। आओ, फोन गिरता था भैया हाथ से मेरे, चालू है आज। और मेहुल भाई, तो दैट्स मेहुल भाई, सब लोग जानते होंगे। जा रहे हो? हाँ, इसका वो क्विक रिलीज ऐसा कुछ नहीं है ना। हाँ हाँ,
पूरा निकालना पड़ता है, इसलिए मैंने रख दिया, अभी रहने दो। तो एक्चुअली यहाँ पर नहीं रुक रहे हैं, जस्ट बिकॉज हमारा ऐसे प्लान हो गया कि रवि भाई आगे चले गए चार रोटी टोलनाका के पास, तो अभी डायरेक्ट चार रोटी टोलनाका जा रहे हैं। तो मेहुल भाई से दोस्ती हो गई, और यार एक्चुअली इधर रुकना अच्छा हुआ क्योंकि जो भी स्क्विड थे ना सब निकल गए, अच्छी बात है। और यहाँ पर MSK भाई साथ में करेंगे कुछ मस्ती उनके साथ। मजा आ रहा है यार, अलग ही प्यारा वाला फीलिंग है कि नहीं मालूम, बता नहीं सकता मैं, बट बहुत मजा आ रहा है। एक्चुअली आगे मस्त वाली बारिश दिख रही है, तो मुझे रिस्क नहीं लेना, इसलिए मैं रेन लाइनर पहन ले रहा हूँ। बेस्ट देव भाई भी आ गए। हाँ बहुत तगड़ी वाली होगी, बहुत तगड़ी वाली होगी। हाँ सब अपने अपने काम पे लग गए। फॉर सेफ साइड रेन लाइनर पहन लिया है क्योंकि आगे फुल ऑन बारिश हो रही है और मुझे बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है। तो मैं MSK भाई और देव भाई रुक के हम सब लोगों ने साथ में वाटरप्रूफिंग कर दिया। मेरा GoPro पे मैंने ब्लू टैग तो लगा दिया, देखते क्या होता है अभी। कुछ इश्यू तो नहीं होना चाहिए, बट देखते। सो चार रोटी से निकले हम, बस जहाँ पर जो फाइनल आज का जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो है आई डोंट नो प्लेस, मुझे याद नहीं, बट यहाँ से 1 ही किलोमीटर है तो वहीं पर ही जा रहे हैं। तो वहाँ पर जाके चिल करके वहाँ से हम निकलेंगे वापस, तो ज़्यादा दूर नहीं है। दीदी बता रही थी कि 1 ही किलोमीटर है, तो चार रोटी नहीं रुक रहे हम, डायरेक्टली वो जगह पर जाके रुकेंगे। अभी पूरी BMW GS 310 की लाइन लगी पड़ी है, सब स्पोर्ट्स बाइक, सब बाइक से इधर भाई साहब पहुंच गए। होटल का नाम क्या है? दीप्ति। चारूटी से कितना दूर है? चारूटी टोल से 1 ही किलोमीटर है। और बाइक्स आगे पार्क है, और यहाँ पर मेहुल भाई ब्लॉक कर रहे हैं, और यहाँ पर देव भाई। अभी कर रहे हैं कैमरा साफ क्योंकि बहुत ज़रूरी पड़ गया और बहुत ही गंदा हो गया ये। अरे राम, चलो फाइनली साफ। अभी खाएंगे खाना यार। ब्लू टैग और GoPro की तो बैंड बज गई पूरी। उफ वाह 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 वाह, ओ भाई ये सबसे सही काम हुआ है, बहुत सही लग रहा है। फुल ऑन बिहाइंड द सीन्स देते हुए मैं, और एक्चुअली बाइक पीछे पार्क हुई है, वहाँ पर रेसर चेक की बाइक दिखेगी और मेरी बाइक दिखेगी क्या? खाके हो गया ख़त्म, अभी हम जा रहे हैं वापस घर की ओर। और रवि भाई रुक जा, क्लीन करना है। आजा आजा बाहर ही रुके हम लोग। सुदेव भैया इज राइट हियर। देव भैया हां, अभी मेरे ने सब लोग बड़े यार, मेरे से बहुत बड़े हो। कितने साल के हो? कितने साल के हो? आई एम 21। फिर भैया ठीक है। दिस इज द थर्ड टाइम जो मैं MSK भाई से मिला हूं, और काफी मजा आ रहा है इनके साथ राइड करते वक्त। सच में चल झूठ मत बोल। अरे सच्ची, पहली बार जब मैं आपको सबसे पहली बार आपका मैंने नॉर्थ ईस्ट वाला देखा था, तो उससे मैं इतना इंस्पायर हुआ था, हिमालयन लिया, एक साल के अंदर मैं लद्दाख करके आया। एंड एक्चुअली रेसर चिक भी थी वो टाइम पे, रेसर चिक या प्रतीक्षा, सॉरी प्रतीक्षा तो वो भी थी यार। आजकल ना पता ये क्या हो रहा है, लोग ना नाम से नहीं बुलाते, यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम यूजर नेम से लोग बुला रहे थे। आपके साथ राइड करना मतलब एक नेक्स्ट लेवल सपना था, क्या सोचा भी नहीं था। एंड थैंक्स टू दीदी कि कल रात को उन्होंने बताया और तभी मुझे चांस मिला ये, बट ये नेक्स्ट लेवल मतलब सोच भी नहीं सकता था मैं, और आपके साथ तो मज़ा आ गया। शुक्रिया भाई, मेरे को पता नहीं था। और कुछ बोलना चाहोगे क्राउड के लिए? सब्सक्राइब मी। मैं सब जगह जाके अपनी प्रमोशन कर रहा हूँ। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। अच्छा क्या? हाँ यही है, हैप्पी फ्रेंडशिप डे, हैप्पी फ्रेंडशिप डे, हैप्पी फ्रेंडशिप डे, हैप्पी फ्रेंडशिप डे, हैप्पी हैप्पी वाला फ्रेंडशिप, हैप्पी फ्रेंडशिप डे मेहुल भाई, हैप्पी फ्रेंडशिप डे।
यहाँ से बढ़ रहे हैं अभी घर को। प्लान था कि पहले लेक के पास जाएंगे बट बाद में लेक का प्लान हुआ कैंसिल। अभी सब बढ़ रहे अपने अपने घर, बाद में एडिट करके डालना भी है व्लॉग। आज शाम को 5 बजे का व्लॉग ऑलरेडी शेड्यूल हो चुका है, तो मज़ा तो आ रहा है यार, बहुत मज़ा आ रहा है। ओ भाई भाई भाई, पीछे से धूप, यहाँ पर बादल, यहाँ पर हरियाली, ओ मैन मज़ा आ गया। टाइम हुआ है 10:51 और राइड सो फार इज गोइंग ग्रेट। हाँ, अभी छोटा सा ब्रेक लेंगे, स्टोरी बना लेते हैं एक और बार। सो एक्चुअली सब लोग को लगता है कि टाइगर बहुत फाइटेड है, और मैं जब लास्ट आप लोगों को नहीं मालूम, मैंने टाइगर का टेस्ट ड्राइव लिया था 2 दिन पहले, और मुझे लगता था रैली प्रो मैंने चला था भैया, और मुझे लगा था कि बहुत हाइटेड है गाड़ी। जब तक मैं बैठा नहीं ना तब तक मुझे लगा कि बहुत हाइटेड है, और मेरे टिप टोज आ रहे हैं। तो अभी आप मुझे बताओ, आई वॉज लुकिंग फॉर GT, तो अभी GT का मेजर ये है कि मुझे थोड़ा एक ऑफ रोड वेरियंट चाहिए। GT इज नॉट टाइगर, आई कॉल इट बिल्ली। ओके, दिस इज अ रियल टाइगर, CX। दिस इज मेहुल भैया का टाइगर, दिस इज द टॉप लाइन वेरियंट, राइट? टॉप से एक का मतलब ऑफ रोड में इट इज द सेकंड लास्ट, लाइक XCA आता है। अच्छा, XCA इज द एडवेंचर। उसमें क्या फर्क है, खाली उसका सीट्स और ये हैंडल बार हीटेड होता है, बस और कुछ फर्क नहीं। अच्छा, दैट्स इट, दैट्स इट। बेसिकली अभी वाले टाइगर 900 में सब वो सब टॉप स्पेक आ जाए, बट अभी मुझे ये था मेजर चीज़, आपने लो सीट डलवाया? कुछ नहीं, कुछ तो भी नहीं। और जिस हिसाब से भैया हैंडल करते हैं ना, वो मुझे उनको देख के अलग सा कॉन्फिडेंस आ गया। अरे तो एक्चुअली बहुत ईजी, अगर आप 2 दिन चलाओगे ना बाइक तो आदत पड़ जाएगी। वो बेसिकली एक माइंड गेम होता है, तो बेसिकली वो माइंड गेम होता है कि अगर वो एक बार दिमाग में आप सोच लेते हो कि पैर नहीं पहुँचेगा, कितना जरूरी है। एक दो बार जब तक गिरोगे ना तक उसका आएगा नहीं। मैं लद्दाख में 4 बार गिरा यार, इट डज नॉट मैटर। और इसको गिराने पे ना कुछ होता भी नहीं है, लाइक स्टिकर विकर लगा रहेगा तो स्क्रैच होकर निकल जाएगा, मोर देन दैट कुछ भी नहीं होएगा, एंड आपको तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ, और रास्ते पे गिरने का कोई चांस नहीं है। हाँ, कभी कभी क्या होता है, वो बटर वगैरह का जो नाली होता है ना, उसमें पैर नहीं पहुँचते नीचे, वो वही चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो इनएविटेबल है। अभी और एक्चुअली मेरा और भैया का हाइट देखेंगे तो ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, मेरा उल्टा कम है। नहीं, एक इंच बड़ा रहेगा भैया, एक इंच नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। खाली से सस्पेंशन है ना, अपने वेट पे सेट करना होता है। इन लोग का राइडर मतलब 80 kg का राइडर और 20-30 kg का लगेज। अच्छा, ओके, उनका राइडर वैसा होता है। हाँ, अपन है 60 kg के। सो देन यू हैव टू सेट इट अक्रॉस, मतलब मेरा बाइक अभी सेट है राइडर पे, बट दैट राइडर सेटिंग इज फॉर मी विद माई लगेज। एंड एक्चुअली हर्ड भैया की यूजुअली टाइगर्स एरो एग्जॉस्ट लगाते हैं, आपने एक्रोपोविक क्यों लगाया? एक तो एरो का साउंड मेरे को मतलब पता है, सब लोग ने वही लगा, वो विसल विसल वाला एक आता है। एक्रा का जो बेस है ना, एंड एक्रा एज अ ब्रांड आई फील इट इज फार बेटर, क्योंकि मेरी सारी बाइक्स तो आज तक एक्रा ही था, एंड आई वांटेड एक्रा ऑन दिस आल्सो। तो मतलब वही थोड़ा 19-20 का फर्क है, बट देन आपकी चॉइस है। अभी जैसे अथर्व की बाइक पे एरो है, उसका साउंड कंप्लीटली डिफरेंट है। मैं वो साउंड सुनाऊंगा कुछ देर के बाद, चाय वाय पी के जब निकल रहे हैं। सोचा गन्ने का जूस पियेंगे और अचानक बारिश, हाँ वो भी है, वो भी है। गर्मी खत्म ही नहीं होती है। नाइस मीटिंग देव भाई, काफी जल्द आई होप ऐसे राइड करते रहेंगे, और अगली बार नए वाले बाइक, अगली बार अगर आ गई उसके पहले ये बाइक पर राइड हो जाएगा, मेरी बाइक ये साल में आ जाएगी। तो अभी रेसर चेक ये बाइक चलाएगी, आई मीन प्रतीक्षा दीदी ये बाइक चलाएगी, और मैं चलाऊंगा उनकी निंजा। चलो मैं इसके भाई
अरे यार पूरा गोप्रो एंगल की लग जाएगी। उनको वो चलाना है, टूरिंग वाले पूरे राइडिंग गियर्स पे मैं ये कर रहा हूँ। ओह भाई 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 क्या मस्त स्मूथ बाइक है यार, मजा आ गया। ओके मुझे थोड़ा आदत लगने में टाइम लगेगा, बट यार सोमा को ना जब ऐसे दूर से देखते हैं ना अलग ही फील आती है, मालूम है, बहुत अच्छी लगती है बाइक। एक्चुअली कैसा है ना, जब वो हिमालयन पे रहता हूँ, एक तो गाड़ी भारी है ना, तो जब कोई क्रॉसविंड चल रहा रहता है, तो कैसा है कि गाड़ी हिलती नहीं है फटाक से, और ये कैसा है कि थोड़ा स्पोर्ट्स बाइक है, और मतलब बहुत हल्की है बाइक कंपेरेटिव टू हिमालयन, और उसमें पैनियर्स और टॉप बॉक्स तो लगने के बाद अलग ही भारी हो जाती है। तो ये कैसा है ना, ये थोड़ा मतलब ट्रक के बाजू से जब ओवरटेक कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ ना, तो गाड़ी हिल जा रही है, तो मुझे वो थोड़ा संभालना पड़ रहा है, क्योंकि वो आदत सी नहीं है ना, बट बाकी सब तो ठीक यार। एक्चुअली ना ये बाइक फन है, मतलब जो टूरिंग करते हैं भाई उनको तो हैट्स ऑफ, बट मेरे लिए मेरा बम सपोर्ट नहीं करेगा इतना लंबा बैठ के जाना, मतलब ऐसे, और वो भी ऐसे पोस्चर में। यार ये वाला ना बहुत बेस है, एरो एग्जॉस्ट हर कोई लगाता है, वो भी सही बात है, बट एरो एग्जॉस्ट में एक विसल जैसा आता है, इसमें वो नहीं आता, इसमें एकदम प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक वाली आवाज आती है। I know we're acting stupid, yeah, we're being dumb. Maybe just a little bit foolish, yeah, I feel so young. Just go a little crazy and lose it, yeah, I don't care if we're dumb. It's the only way we know how to do it, yeah, I feel so young. I know we're acting stupid, yeah, we're being dumb. Maybe just a little bit foolish, yeah, I feel so young. Just go a little crazy and lose it. सो यहाँ एक्चुअली व्लॉग होता है ख़त्म, बट यहाँ पर नहीं ख़त्म करेंगे, मैं घर पहुँच गया हूँ, व्लॉग ख़त्म करेंगे सबके साथ, चलो मिलते हैं, बाय बाय। अभी अपने अपने घर जाएंगे, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाट्स एवर रीजन, लाइक का बटन दब जाना चाहिए, सो एज ऑलवेज रिस्पेक्ट द स्ट्रीट्स, राइड विद प्रोपेगेट्स, चेज़ योर ड्रीम। चलो मिलेंगे काफ़ी जल्द ऐसी राइड पे, सो हैप्पी फ्रेंडशिप डे वापस सबको, चलो बाय बाय।